विजय लाइब्रेरी में आपको अभी कैसा लग रहा है आके? अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ की एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। गाजीपुर में तो शायद पहली लाइब्रेरी है जो इतनी व्यवस्था दे रही है। अच्छा, और हम देखे थे एडवर्टाइज, उसकी वजह से हम आए यहाँ पे और यहाँ देख के काफ़ी अच्छा लगा। एक बार सर से मिलिए और देखिए इस लाइब्रेरी का माहौल क्या है। अगर आप यहाँ का माहौल देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन मेरे को लगा। देख सकते हैं यहाँ पे रुकने के लिए यहाँ पे आपको जो है कि जो बेड्स होते हैं यहाँ पे सब आपको जो है कि फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलो, आप सभी का स्वागत है हमारे बंका सुंदरी साइड। और दोस्तों, जस्ट अगर आप हमारे पीछे देख रहे होंगे तो आपको जो है कि विजय लाइब्रेरी के नाम से दिख रहा होगा। ये एक लाइब्रेरी खुली हुई है दोस्तों गाजीपुर में, जो कि मुझे सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी लगी गाजीपुर में। तो मैं सोचा था कि आप सब जो कि शेयर करते हैं, मैं दोस्तों बिल्कुल ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपनी तरफ से खुद बना रहा हूँ। तो मुझे जो कि सबसे बेहतरीन जो चीज़ लगती है मैं खुद बनाता हूँ, देख सकते हैं ये। तो बोल दीजिए तो चलिए चलते हैं। और सर सर जो है मैं आपको मुलाकात भी कराऊँगा और उनकी कंप्लीट लाइब्रेरी के बारे में अपनी बड़ी डिस्कशन करूँगा। सो दोस्तों, अभी जो है कि मैं फाइनली लाइब्रेरी के अंदर आ चुका हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ से जो है कि हमारी एंट्री होती है लाइब्रेरी के, जो विजय लाइब्रेरी खुला हुआ है। आइए हम अंदर दिखाते हैं और आपको जो है कि कुछ या इस लाइब्रेरी की विशेष जानकारियाँ भी देंगे। और ये गाजीपुर में मुझे लगती है कि सबसे बेस्ट लाइब्रेरी इस बार खुली हुई है, तो मैं आप तक जो है कि पूरा कम्प्लीट शेयर करूँगा। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं ये जो कि मेन ऑफिस है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर लाइब्रेरी में विजिट करते हैं, पढ़िए, और आपको जो है कि यहाँ पे बहुत सारी जो है कि फैसिलिटी देखने को मिलेंगी। गाजीपुर में अगर रहना चाहते हैं, अगर आपने रूम कहीं नहीं देखा है, तो आप सर के यहाँ पे पूरे एकदम हॉस्टल टाइप में जो है कि इस लाइब्रेरी को बनाया गया है। और ये सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है, मैं भी पूरा अंदर देखा हूँ और मैंने सोचा कि यहाँ तक आप लोग शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए आइए हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले सर है हमारे बीच, उनसे हम थोड़ा बातें करेंगे और आपको जानकारियाँ देंगे। आइए, क्या शुभ नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम सुधांशु। आपने ये जो लाइब्रेरी खोली, आपको ये कहाँ से आइडिया है कि मुझे इस इतनी बढ़िया लाइब्रेरी खोलनी चाहिए? ये स्टूडेंट को हम लोग का कोचिंग चलता था, तो वहाँ से जो बच्चे आते थे तो वो कहते थे कि सर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का। तो वहाँ से हम लोग को आइडिया आया कि थोड़ा सा बच्चों के फेवर में कुछ ऐसा किया जाए जो गाजीपुर में ना मिलता हो, जो दिल्ली लखनऊ इलाहाबाद जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के इन्वायरमेंट सेम इन्वायरमेंट यहाँ प्रोवाइड कराया जाए, कि यहाँ पे वो सुविधा बच्चों को मिल सके जो बाहर का माहौल मिल रहा है। बस उससे बच्चों को क्या कहेगा कि तैयारी मिल जाएगी, आसपास के जो लोग हैं गांव के वो सेम इन्वायरमेंट यहाँ पे करें, बाहर जाके जो पैसा खर्चा लगा रहे हैं, पैसा घर पे वो है नहीं है, यहाँ पे आके उनको सेम इन्वायरमेंट मिल रहा है, बच्चों की तैयारी भी यहाँ से अच्छे से हो रही है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लाइब्रेरी है, ये जो बाहर के बच्चे हैं वो अगर यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कि हॉस्टल का भी सुविधा मिला हुआ है, कैंटीन का भी यहाँ पे सुविधा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना तो वहाँ पे भी आपको पूरी जो है कि कंप्लीट सुविधा दी गई है। अंदर यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी है, यहाँ पे कुछ किताबें भी आप देख पा रहे होंगे। और अभी जो है कि मैं अंदर चलूँगा और आपको जो है कि पूरा कंप्लीट दिखाऊँगा यहाँ पे जो है कि कैसी लाइब्रेरी है। और यहाँ पे जो कि हॉस्टल टाइप में जो सर बनाए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो हम सर आपसे अभी बात करते हैं, थोड़ा पहले थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक है ना? चलिए आइए हम अंदर चलते हैं। सो दोस्तों, अभी जो है कि मैं इसके अंदर एंट्री करता हूँ। ये बिल्कुल जो है कि दोस्तों एक हॉस्टल की तरह बनाया गया है। आप आइए जो है कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बेहतरीन यहाँ पे सुविधा आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मैं भी जो कि आपको पूरा फीस जो भी है फीस का यहाँ पे क्या है मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बताऊँगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी हॉस्टल में आपको ऐसी सुविधा जो कि नहीं देखने को मिलेंगी लाइब्रेरी में। आप यहाँ पे आइए, एक बार सर से मिलिए और देखिए इस लाइब्रेरी का माहौल क्या है। अगर आप यहाँ का माहौल देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन मेरे को लगा। देख सकते हैं यहाँ पे रुकने के लिए यहाँ पे आपको जो है कि जो बेड्स होते हैं यहाँ पे सब आपको जो है कि फ़ीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए और भी हम आपको आगे चलते हैं और मैं आपको लाइब्रेरी का दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, और यहाँ पे ये क्या भैया? बाथरूम। अच्छा, ये बाथरूम भी आपको? अच्छा, बाहर वालों के लिए। आइए, और ये जो है कि लाइब्रेरी है, अब हम इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सो दोस्तों, अभी जो है कि मैं फाइनली लाइब्रेरी के अंदर जो विजिट कर चुका हूँ, तो आइए अंदर चलते हैं और मैं जो है कि अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो है कि क्या क्या फीचर्स हैं और यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट जो भी बैठे हैं मैं उनसे कुछ जो है कि डिस्कशन भी करूँगा। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अभी ये दोस्तों लाइब्रेरी को खुले सिर्फ 4 दिन हुए, 4 या 5 दिन, तो हमने सर से जो कि बात किया और ये काफ़ी लाइब्रेरी मुझे बेहतरीन लगी, तो मैं सोचा कि जो कि आप तक भी शेयर करते हैं। आइए आगे चलते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? दिगंत। पढ़ाई कर रहे हैं आप? नहीं, पढ़ते हैं जीके जीएस। अच्छा, ये बताइए कि आप लाइब्रेरी में आए यहाँ पे, तो अभी आपको कैसा लगता है यहाँ इस लाइब्रेरी में? अच्छा लगता है, ठीक, व्यवस्था सही है। क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है? फैसिलिटी सही है, सब जो चाहिए हुआ है। अच्छा, चलिए फैसिलिटी बढ़िया है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा भाई? अंशुमान कनौजिया। ये सर, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? पीटी का। ये बताइए इस लाइब्रेरी में आपको क्या क्या फैसिलिटी जो है कि प्रोवाइड की जा रही है? बहुत अच्छी की जा रही है, जो भी है अच्छा है। हाँ। हर जगह से बेटर है मतलब। और इसमें जैसे सर ने बताया कि कैंटीन और हॉस्टल टाइप में आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही, तो क्या पूरा है सुविधा? हाँ, सुविधाएँ हैं यहाँ पर, सब कुछ है। अच्छा, देखिए जो कि पूरी आपको कंप्लीट सुविधा जो है कि दी जा रही है। आइए आगे चलते हैं। इधर भी देखिए, इधर भी जो कि कुछ स्टूडेंट हैं, हम उनसे भी कुछ डिस्कशन करेंगे। क्या सुनना पड़ेगा भैया? मेरा नाम संतोष यादव है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? SSC का। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी ज्वाइन की है, तो आपको यहाँ पे फैसिलिटी सब अच्छी मिलेगी? हाँ, एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल हियर, सब कुछ है यहाँ पर। फैसिलिटी जो है कि सारी प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जैसा कि भैया बता रहे हैं। तो आइए और भी हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई? मेरा नाम प्रदीप यादव है। प्रदीप, ये बताइए भाई, आप खान सर का क्लासेस करते हैं? मैं खान सर क्लास। आपको यहाँ पे नेट की सुविधा बढ़िया मिलती है? पूरा मिलता है। अच्छा, देखिए नेट अगर आपको दोस्तों आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन आइडिया मेरे हिसाब से रहेगा, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए और आपको जो है कि बेहतरीन से यहाँ पे नेट आपको भी देखने को मिलेगा। थोड़ा आगे आ जाइए, देख सकते हैं जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं भैया लाइब्रेरी खान सर का। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भैया जी जो है कि लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं खान सर के। आइए, क्या सुनना पड़ेगा भाई? अमन पासवान। आप किस क्लास में अभी? 11th। अच्छा भैया जी, देखिए 11th से भी यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं, तो किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैथ। हाँ, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ की फैसिलिटी आपको कैसी लगती है? बहुत बढ़िया है। क्या क्या प्रोवाइड की जा रही है फैसिलिटी? फैसिलिटी में हर एक चीज़ है, एसी वगैरह, मतलब कैंटीन से लेके हम जो लाइट की व्यवस्था है, हर एक चीज़ फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। तो लाइब्रेरी में और घर के पढ़ाई के माहौल में क्या अंतर? बहुत डिफरेंट हो जा रहा है, बहुत डिफरेंट हो जा रहा है, खास करके उन बच्चों को जिनको तैयारी करना है और जो घर में सबसे बड़े हैं, वो मतलब इधर से उधर होना पड़ रहा है। मैं आ चुका हूँ इधर लेफ्ट साइड, अभी एक भाई और भी हमें मिले हुए हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा? आलोक यादव। इसलिए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? IIT की। IIT जी। तो ये बताइए, लाइब्रेरी में जो आप आए हैं, तो आपको किस तरह की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है? सभी फैसिलिटी उपलब्ध है यहाँ पर और अच्छा माहौल भी मिल रहा है पढ़ने का। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों सबसे बेहतरीन चीज़ की लाइब्रेरी में अगर आप आते हैं, तो एक माहौल मिल जाता है स्टूडेंट के बीच में पढ़ने का। चलिए और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे AC भी आपको जो है कि मिल जाएंगी, और सबसे बेहतरीन चीज़ आपको कैमरा भी, जो कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हर जगह। आइए आगे यहाँ पे चलते हैं। ये भी भैया पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? शुभ नाम? विमल कुमार। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? IIT JEE। अच्छा, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लास करते हैं क्या? हाँ। तो यहाँ पे नेट आपको कैसा मिलता है? बढ़िया मिलता है? हाँ, सही चलता है। देखिए ये भी भैया जो है कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स वाला जो सर है। चलिए आइए आगे चलते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा भाई? सौरभ यादव। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? UPSC। UPSC की जी। तो अभी ऑनलाइन क्लास करते हैं क्या? हाँ। नेट का सुविधा बढ़िया है आपको? बहुत अच्छा है, वाईफाई कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो इस विजय लाइब्रेरी में आपको अभी कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा, यहाँ की एटमोसफियर काफ़ी अच्छा है, यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। आते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी का जो है कि माहौल और फैसिलिटी जो है कि काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, जो कि सारे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं। आइए मैं इन लोग से बात करते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा अभी आपको? रीता चौरसिया। आपको इस यहाँ पे जो लाइब्रेरी में आप विजिट किए हैं, तो आपको अभी कैसा लग रहा है? बेटर फील हो रहा है। तो पढ़ाई का माहौल कैसा है घर से और यहाँ से? जी, बहुत बेटर है। बेटर है। तो अभी किस चीज़ की तैयारी करती हैं? सिविल सर्विस। चलिए, क्या नाम सुनना पड़ेगा आपका? अभिलाषा चौरसिया। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? UPSC। तो इस लाइब्रेरी में आपको जो है कि किस मतलब किस टाइप का फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है? ठीक है, बढ़िया है सब। बढ़िया है। क्या यहाँ पे फीस, क्या फीस है आपका? 500 मंथली है। 5000 फिर बेहतरीन यहाँ पे फैसिलिटी भी दी जाए। गाजीपुर में तो शायद पहली लाइब्रेरी है जो इतनी व्यवस्था दे रही है। अच्छा, और हम देखे थे एडवर्टाइज, उसकी वजह से हम आए यहाँ पे और यहाँ देख के काफ़ी अच्छा लगा। 500 यहाँ पे देख सकते हैं चार्ज है पर मंथ का। आइए इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा? सोनू। क्या शुभ नाम पड़ेगा? सोनू यादव। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं तभी वनडे एग्जाम।
तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में आके कैसा लगता है, मतलब कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल तो काफ़ी अच्छा है और खुला है, और लाइब्रेरी की अपेक्षा यहाँ काफ़ी जगह है और यहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था है और रेस्ट रूम भी है। तो यहाँ पे ज्वाइन कर लिए? जी जी, ज्वाइन किए हैं और काफ़ी अच्छे पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माहौल भी बहुत शांत रहता है, बाहर का शोर भी नहीं अंदर आता, और बाकी सब सफाई है अदर लाइब्रेरी की अपेक्षा यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन, हाँ अच्छी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यही प्रयास था दिखाने को, बाकी बाहर का जो है कि सर से बात करते हैं और आपको जो है कि कुछ शेयर करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी जो है कि मैंने फाइनली जो है कि पूरी लाइब्रेरी के अंदर जो कि पूरा विजिट किया, हॉस्टल भी देखा और यहाँ पे जो है कि पूरा सुविधा भी हमने देखा, लाइब्रेरी भी आपको जो है कि पूरा कंप्लीट दिखाया। अब हमारे बीच जो है कि सर मिले हुए हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, और हम इनसे जो है कि कुछ बातें करने का प्रयास करेंगे और अब तक जो कि पूरा शेयर करेंगे, और यहाँ का जो कि क्या फीस है, किस तरह से जो है कि यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, तो हम आपको जो है कि पूरा शेयर करते हैं। तो आपके जो ये लाइब्रेरी का नाम है विजय लाइब्रेरी, तो आपको कहाँ से आइडिया है कि विजय लाइब्रेरी के नाम से आपने ओपन किया? विजय लाइब्रेरी हमारे पहले से चल रहा था। अच्छा, वहाँ पे हम लोगों ने चुनी पे बड़े स्टेशन शिफ्ट किया था, वहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, कंजेस्टेड था, वो पहले वो नहीं हो पा रहे थे, सर इसे समझो देना चाहते हैं, वो नहीं दे पा रहे बच्चों को। अच्छा सर, जो बाहर के स्टूडेंट होते हैं जो बाहर से आते हैं गांव से, और जैसे वो मतलब घर में सुटेबल नहीं हो पाते हैं, तो कुछ मतलब आपका जो कि आपने हॉस्टल भी खोला है उन स्टूडेंट के लिए, जो कि आप इजिली आके यहाँ पे आराम भी कर सकते हैं और अपना तीन टाइम के यहाँ पे खाना भी आप प्रोवाइड कराते हैं, और इसमें आपका जो कि चार्ज क्या है और इसकी और क्या फैसिलिटी है बताइए थोड़ा। हमें एक पूरा पैकेज बना दिया था, जो बाहर गांव के बच्चे आके रूम लेके रहते हैं, खाना बनाते हैं, इसमें उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हम अपने यहाँ पे उनको 24 घंटा रहने का, खाने का, लाइब्रेरी हर एक चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, उसका कॉस्ट है 55 रुपये कॉस्ट है, उसी के अंदर सब कुछ प्रोवाइड होगा बच्चों को, जो भी चीज़ें चाहिए बाकी उनके लिए ब्रेकफास्ट टी हर एक चीज़ फ्री रहेगा, घर का खाना मिलेगा उन्हें, ये भी नहीं कि बाहर का घर का खाना प्रोवाइड हम कराएँ। जो बच्चे वन डे एग्जाम के लिए बाहर से आते हैं देने के लिए, इसलिए उनके लिए खास तौर पर सुविधा है कि उनको बहुत मिनिमम पे करके अपना राशि जा सकते हैं, उसके बाद अपना अच्छा वन डे एग्जाम अपना दें, उसके बाद अपना पेपर भी करेगा। बाहर में होटल के रुकने का जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें रखा है, बहुत कम एकदम मिनिमम, इस रेट में वहाँ पर आके रात के पेपर देखिए पेपर देखिए कोई भी एग्जाम के लड़के आ सकते हैं, हाँ बाहर के स्टूडेंट आ सकते हैं वन डे, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ट्रैवल का खुद अपने तरीके से उनको सेंटर तक उनको। दोस्तों सबसे बेहतरीन यहाँ पे लाइब्रेरी मुझे एक चीज़ लगी, जो कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर रात में यहाँ पे आते हैं, उनका कोई भी एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, तो आप रात में यहाँ पे आप इजिली पढ़ भी सकते हैं और आराम से आप यहाँ पे हॉस्टल टाइप में सर बनाए हैं, तो वहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। सर उस एक दिन के लिए बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसका क्या चार्ज रहता है? कोशिश करेंगे यहाँ से उनको जहाँ पर उनका टेस्ट सेंटर वहाँ पर हम उनका दोस्तों यहाँ पे जो कि सबसे बेहतरीन चीज़ है, अगर आप कभी भी एग्ज़ाम देने आते हैं तो आप यहाँ पे अगर आपको बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है रात में, तो आप यहाँ पे सर के पास आ सकते हैं, और यहाँ पे हॉस्टल टाइप में अगर आपको होटल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइए यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, आप लाइब्रेरी में भी आप पढ़ के रात में थोड़ा तैयारी भी कर सकते हैं और यहाँ पे रुक भी सकते हैं, और यही और आपको जो कि सर नाश्ता भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और सर का जो कि आगे का इन फ्यूचर ये भी है कि अगर आपको पूरा जो कि सेंटर तक भी पहुँचाने का पूरा प्रयास रहेगा, क्यों सर? बच्चों हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे बाहर के लोग भी आएंगे, हाँ अपने ट्रांसपोर्ट सुविधा से उनको टेस्ट सेंटर तक रोक पाएगा। चलिए बहुत बढ़िया फैसिलिटी जो है कि सर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर इसका जो है कि थोड़ा लाइब्रेरी का फीस का जो है, लाइब्रेरी का 500 कॉस्ट है, उसमें एक ब्रेकफास्ट फ्री रहेगा, बाकी वो स्लॉट के हिसाब से 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे का स्लॉट रहता है, बच्चे जब तक टाइम दे रहे वो अपना पढ़ते रहेंगे, हम सुविधा सब कुछ कराते हैं, बुक से एनसीईआरटी पेपर बुक वहाँ पर अवेलेबल होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ मटेरियल शॉर्ट नोट्स वहाँ पर बच्चों को जो भी काम करें उस पर स्टिक करा के बच्चों को सुविधा हर एक चीज़ का मिलता है, पढ़ाई से रिलेटेड किसी चीज़ का उपयोग करें। और सर जो स्टूडेंट अगर कोई आता है और आपसे इस लाइब्रेरी से कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है कि प्रोवाइड कर दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9650711676 विजय लाइब्रेरी है, चुनी में नियर विशाल में।
दोस्तों आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी चेक कर सकते हैं, मैं पूरा लाइव लोकेशन भी दे दूंगा और सर का जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। आप एक बार मेरे कहने पे एक बार आप आइए सर के लाइब्रेरी में, यहाँ का माहौल देखिए, आप देख लीजिए, एक दो दिन ट्रायल, अगर एक दिन सर एक दिन को ट्रायल तो दे सकते हैं, एक दिन ट्रायल बच्चे करते हैं उनके ऊपर है। आप यहाँ का जो फैसिलिटी जो सर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबसे बेहतरीन है गाजीपुर में, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आइए, विजिट करिए और दोस्तों यही थोड़ा आपको जो भी प्रयास था, तो ये मेरा जो कि प्रयास कैसा रहा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उससे पहले आज चैनल बना होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे ऐसी रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।